हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। प्रीवियस जो सेशन था हमारा फिशरीज का, उसमें हमने फिश के बेसिक कॉन्सेप्ट कवर कर लिए थे। हमारा जो आज का सेशन है, इसमें हम कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने वाले हैं। जब ये वाला पार्ट हमारा कवर हो जाएगा तो फिशरीज का इंट्रोडक्शन कवर हो जाएगा, फिर हम फिशरीज के एडवांस सिस्टम पे चलेंगे, जैसा कि RAS और BFT की बात हम करेंगे। RAS जो अपने आप में रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम माना जाता है, और BFT जिसकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, लेकिन BFT को न्यू रेवोल्यूशन, न्यू ब्लू रेवोल्यूशन के रूप में जाना जा रहा है कि ये एक इस तरह का टेक्नोलॉजी है जो एक नई नीली क्रांति, नई ब्लू रेवोल्यूशन लाने वाला है। इसे हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे, बट आज की क्लास के बारे में जानने से पहले जो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर, प्रीवियस सेशन के अंदर पढ़ा था, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रीवियस सेशन के अंदर हमने सबसे पहले तो डिस्कस किया था फिश होती क्या है। तो आपको याद होगा एक्वाटिक वर्टिब्रेट हमने इसे कहा था। जो आपका एक्वाटिक वर्टिब्रेट है, जलीय जंतु है, उसे क्या बोलते हैं? फिश बोलते हैं। फिश दो तरह की होती है, या तो वो शेल फिश होती है या फिर वो फिन फिश होती है। शेल फिश और फिन फिश के अंदर अंतर क्या होता है? शेल फिश और फिन फिश की बात की जाएगी तो फिन फिश तो वो है, याद है ना, पिछली कक्षा के अंदर, प्रीवियस क्लास के अंदर आपने स्विम करती हुई मछली को देखा था जो अपने फिन को यूज करके स्विमिंग कर रही थी। उसके साथ साथ आपने कुछ शेल फिश को देखिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, जैसे कि केकड़ा हो गया, मतलब कि क्रैब हो गया, प्रोन हो गया, श्रिम्प हो गया, इनको भी देखा था। तो ये क्या थे? शेल फिश थे। शेल फिश हो या फिन फिश हो, दोनों आते किसके अंदर है? दोनों ही फिशरीज के अंदर आते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था तीनों के बारे में, मैरी कल्चर, पिस्सी कल्चर और शेलफिश फार्मिंग। तो भाई शेलफिश जो अभी आपने देखे, इनको पालोगे तो ये हो जाएगा शेलफिश फार्मिंग। जहां पे आप फिन वाली मछलियों को पालोगे वो क्या हो जाएगा? पिस्सी कल्चर। और जहां पे आप मरीन एनवायरमेंट, मतलब समुद्र वाला जो एनवायरमेंट है, मरीन एनवायरमेंट वाली मछलियों को पालोगे तो वो क्या हो जाएगा? मैरी कल्चर। बस मैरी कल्चर को मोरी कल्चर से कंफ्यूज मत कर लेना, क्योंकि मोरी कल्चर तो होता है मलबरी कल्टीवेशन। मोरी कल्चर का नाम आपने सुना होगा। मोरी कल्चर की बात करेंगे तो मोरी कल्चर आपको किसी एक्वा कल्चर के बारे में नहीं बताता। मोरी कल्चर इज बेसिकली रिलेटेड टू मलबरी कल्टीवेशन। सर ये क्या होता है? अरे यार वो तुम्हें याद नहीं है, वो हमारा जो सिल्क वॉर्म होता है, कौन से वाला? मलबरी सिल्क वॉर्म। तो मलबरी सिल्क वॉर्म जो है वो मलबरी प्लांट की लीव्स को खाता है। तो मलबरी प्लांट्स की लीव्स को खिलाने के लिए मलबरी के प्लांट लगाने पड़ते हैं, जिसे क्या बोला जाता है? मोरी कल्चर कहा जाता है। लेकिन फिलहाल मोरी कल्चर की बातें नहीं कर रहे हैं, फिलहाल किसकी बात कर रहे हैं? मैरी कल्चर की। तो समुद्रीय एनवायरमेंट के अंदर या फिर मरीन एनवायरमेंट वाले ऑर्गेनिज्म को पालते हो तो वो मैरी कल्चर हो जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था लाइफ स्टेजेस ऑफ फिशेस के बारे में। लाइफ स्टेजेस ऑफ फिशेस की बात करते हैं तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि एग जो मछली देती है उसका इंक्यूबेशन पीरियड जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, एग का इंक्यूबेशन पीरियड जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद क्या हो जाता है? जो आपकी मछली है अंडे में से निकल के बाहर आती है, लेकिन उसे हैचलिंग कहा जाता है। एग में से निकलता है हैचलिंग, हैचलिंग 2 से 3 दिन लेके बन जाता है स्पोन, स्पोन 7 से 10 दिन लेता है बन जाता है क्या? स्पोन बन जाता है फ्राई, और फ्राई 30 से 60 दिन लेता है और बन जाता है फिंगरलिंग। फिंगरलिंग अगले 8 से 10 महीने के आसपास का समय लेके 1 साल का हो जाएगा और बन जाएगा ईयरलिंग। तो वो क्या थी? लाइफ स्टेजेस थी, हमने पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ा था एक्वा कल्चर और पॉलीकल्चर के बारे में। एक्वा कल्चर का मतलब तो है जलीय जंतुओं को पालना, वो तो हो गया एक्वा कल्चर। पॉलीकल्चर का मतलब क्या था? एक से ज्यादा प्रजातियां, एक से ज्यादा स्पीशीज को रियर करना, कि कुछ ऐसी स्पीशीज जो जू प्लैंक्टन है, कुछ ऐसी जो फाइटोप्लैंक्टन है, तो एक से ज्यादा को रियर करोगे तो वो क्या करेंगी? पोंड के अंदर जो अवेलेबल फूड है वो सारा अच्छे से खा जाएंगी, तो आपके पोंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो एक से ज्यादा स्पीशीज को पालना क्या हो गया? पॉलीकल्चर। फिर हमने पढ़ा था फिश हैचरी यानी कि प्री स्टॉकिंग के बारे में। फिश हैचरी जहां पे मछलियों के अंडों को रखा जाता है, उनमें से फिर हैचलिंग, स्पोन, फ्राई और फिंगरलिंग तक बड़ा किया जाता है, जो बेसिकली प्री स्टॉकिंग होता है। इसके बाद मछली को निकाल के अगले पोंड के अंदर डाल देते हैं, एक नए पोंड के अंदर डाल देते हैं, जिसे टेबल फिश प्रोडक्शन पोंड कहा जाता है और उसे पोस्ट स्टॉकिंग भी कहा जाता है। उसके लास्ट हमने 2 वर्ड पढ़े थे, कैरिंग कैपेसिटी और बायोमास।
कैरिंग कैपेसिटी का मतलब था एक वॉल्यूम ऑफ वाटर के अंदर, एक तालाब के अंदर या फिर आपके एक पॉन्ड के अंदर, टैंक के अंदर जितनी फिशेज रह सकती हैं अच्छे से, वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है। और उन सारी मछलियों का वजन जो होता है उसको क्या बोला जाता है? बायोमास। तो ये तो वो है जो हमने हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर स्टडी कर लिया था। उसके बाद बात करते हैं फिश बेस्ड ऑन माइग्रेशन एंड ब्रीडिंग। जो फिशेज होती है ना, इनमें अलग अलग हैबिट होती है। फिशेज रहना कहीं और पसंद करती हैं, लेकिन ब्रीडिंग करना कहीं और पसंद करती हैं। तो बेसिकली फिशेज कौन सी हो गई? ये माइग्रेटरी हो गई। जैसे तुम लोग हो, है ना, तुम लोग बीएससी से पहले घर रहना पसंद करते थे, बीएससी में कॉलेज में चले गए, अब एग्री कोचिंग चंडीगढ़ में आ गए हो, अब यहाँ अच्छे से पढ़ाई सारे लोग करवाते हैं तो सेलेक्ट हो जाओगे, फिर बैंक के अंदर चले जाओगे। तो आप भी क्या कर रहे हो? माइग्रेशन कर रहे हो। ऐसे ही मछलियां फिशेज भी माइग्रेशन करती है, और माइग्रेशन के बेस पे इनको 5 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। ये 5 टाइप कौन कौन से थे, पहले नाम पढ़ लेते हैं। एनाड्रोमस फिश होता है, बाद कैटाड्रोमस आ जाता है, कैटाड्रोमस के बाद आपका एम्फीड्रोमस आता है, फिर आपका पोटेमोड्रोमस आता है, और लास्ट में क्या आ जाता है? ओशेनोड्रोमस आ जाता है। होती क्या है? बहुत सिंपल है। पहला तो याद रखना, ये सारी की सारी मछलियां कैसी है? ये माइग्रेटरी है, माइग्रेशन करती है, यहां से वहां ये जाती है। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। एनाड्रोमस फिश की बात करेंगे ना, बस आपको इतना सा याद रखना है कि एनाड्रोमस फिश जो है ये सोल्ट वाटर के अंदर रहती है, लेकिन ब्रीडिंग कहां पे करती है? फ्रेश वाटर के अंदर। सोल्ट में रहती है और फ्रेश वाटर के अंदर ब्रीडिंग करती है। कैटाड्रोमस इसके उल्टी है। उल्टी मतलब वो रहती फ्रेश वाटर में है, लेकिन ब्रीडिंग करने कहां चली जाती है? सोल्ट वाटर के अंदर। एम्फीड्रोमस तो बहुत आसान है, वो कहीं भी रह सकती है और कहीं भी ब्रीडिंग कर सकती है। So, ये जो है माइग्रेटरी फिश है, जो रहती है, लिव्स इन बोथ फ्रेश वाटर एंड सोल्ट वाटर, इंडिपेंडेंट है, ब्रीडिंग के लिए कहीं भी जा सकती है, मतलब फ्रेश वाटर में भी कर सकती है और आपका जो सलाइन वाटर है उसमें भी कर सकती है। तो ये एम्फीड्रोमस हो गया। पोटेमोड्रोमस जो सिर्फ फ्रेश वाटर के अंदर ही रहेगी, माइग्रेट तो करेगी लेकिन विद इन द फ्रेश वाटर ही करेगी, मतलब रहेगी भी फ्रेश वाटर में, ब्रीडिंग भी फ्रेश वाटर के अंदर करेगी, वो कौन सी होगी? पोटेमोड्रोमस। और सबसे लास्ट में आ गई आपकी ओशेनोड्रोमस, जैसा कि नाम ही है, ओशन साथ में लगा हुआ है, तो ओशेनोड्रोमस का मतलब क्या हो गया? सेलाइन वाटर में ही रहेगी, सेलाइन वाटर के अंदर ही क्या करेगी? ये माइग्रेट करेगी। तो सेलाइन में रहकर साइलाइन में माइग्रेट करेगी, खारे पानी के अंदर रहेगी तो वो ओशेनोड्रोमस है। फ्रेश वाटर के अंदर रह के वही माइग्रेट करेगी तो वो क्या है? वो पोटेमोड्रोमस है। कहीं भी रह के कहीं भी माइग्रेट कर सकती है तो एम्फीड्रोमस है। लेकिन अगर वो कौन से फ्रेश वाटर में रह के सोल्ट वाटर में जाएगी तो कैटाड्रोमस है, और सोल्ट वाटर में रह के ब्रीडिंग करने फ्रेश वाटर में जाएगी तो वो क्या है? वो एनाड्रोमस है। यहां से IBPS AFO 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, तो अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, अब फिशेस के टाइप्स की बात कर लेते हैं। टाइप ऑफ फिशेस की बात करेंगे तो सबसे पहले तो मछलियां जहां पे रहती हैं उनके एनवायरमेंट के हिसाब से क्या हो जाएंगे? अलग अलग टाइप हो जाएंगे। सर कौन से अलग अलग टाइप? जैसे कि जो आपकी मछलियां ओशन के अंदर, सी के अंदर, समुद्र के अंदर रहेंगी वो कौन सी हो जाएंगी? मरीन फिशरीज हो जाएगी। मरीन फिशरीज के अंदर हम वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट, वेस्ट और ईस्ट कोस्ट जानते हो ना, देखिए सामने आपको दिख रहा है वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट। तो वेस्ट और ईस्ट कोस्ट दो है हमारे पास जहां से हम मछलियां निकालते हैं। 80% जो फिशेज हैं वो वेस्ट कोस्ट से निकाली जाती है, 20% जो है वो ईस्ट कोस्ट से निकालते हैं। 80% कहां से आती है? आपकी वेस्ट कोस्ट से, और 20% कहां से आती है? ईस्ट कोस्ट से। लेकिन समुद्र वाली मछलियां कौन सी है? ये आपकी मरीन फिशरीज हो गई। उसके बाद आ गया फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर जिसे इनलैंड भी कहा जाता है। सर इनलैंड का मतलब क्या होता है? अरे इनलैंड का मतलब होता है इनलैंड। सर वो तो अलग अलग लिखा हुआ, साथ में ही लिखा हुआ है। हाँ वो साथ में ही लिखा हुआ है, जान रहा हूं मैं, लेकिन इनलैंड की बात करेंगे ना भाई। इनलैंड का मतलब क्या होता है? जो हमारी लैंड के इन है, जो लैंड के विद इन है। तो जैसे कि आपकी झीलें, मतलब लेक्स हो गई, रिवर्स हो गई, कैनाल्स हो गई, पोंड हो गए, टैंक हो गए, इन सभी के अंदर पानी फ्रेश होता है और ये लैंड के विदिन होते हैं, तो वहां पे रहने वाली फिशरीज को इनलैंड फिशरीज कहा जाता है। अगला आ गया एस्चुराइन या फिर ब्रैकिश वाटर फिशरीज। एस्चुराइन का मतलब होता है जहां पे खारा पानी, यानी कि आपका जो सलाइन वाटर और फ्रेश वाटर मिक्स होता है ना, उसे एस्चुरीज कहा जाता है। वो समुद्र के अंदर भी हो सकता है, जैसे गंगा जब गंगोत्री से निकल के और बे ऑफ बंगाल के अंदर जाके गिरती है तो वहां पे क्या हो जाएगा? वहां पे एस्चुरी बनेगी।
या फिर कोई ऐसा जहां पे फ्रेश वाटर है धरती के ऊपर, बट उसमें आके आपका जो क्या है, जो आपका अर्थ के ऊपर जो सॉलिड सरफेस के ऊपर फ्रेश वाटर है उसमें ओशन वाला जो सेलाइन वाटर है वो मिक्स हो रहा है, तो वहां भी एस्चुरी बन जाएगी। एस्चुरीज में जो मछलियां होती है उनको क्या बोला जाता है, ब्रैकिश वाटर फिशरीज। तो तीन हो गए, एक मरीन हो गया, एक फ्रेश वाटर हो गया और एक आपका ब्रैकिश वाटर हो गया। आगे फिशरीज दो टाइप की होती है, एक होता है कैप्चर फिशरीज और दूसरा होता है हमारा क्या, कल्चर फिशरीज। कैप्चर और कल्चर, कैप्चर समझते हो ना कि किसी को आप पकड़ लोगे तो वो क्या हो गया, वो कैप्चर हो गया। तो जिन मछलियों को, जिन फिशेस को हम बिना पाले, रियर किए बिना ही पानी में से निकाल लेते हैं तो वो तो होती है कैप्चर फिशरीज, और जिसको हम पालते हैं और फिर उसको मार्केट में बेचते हैं या फिर खा जाते हैं वो क्या होती है, वो होती है कल्चर फिशरीज। आप अगर ध्यान से सुन रहे हो तो मुझे बताओ क्या लगता है आपको, अच्छी कौन सी है, कैप्चर के कल्चर? हमें क्या करना चाहिए, किसको बढ़ावा देना चाहिए, कैप्चर को बढ़ावा देना चाहिए या कल्चर को? बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, हमें कैप्चर को बढ़ावा नहीं देना है। कैप्चर को देते रहेंगे तो मछलियां खत्म हो जाएंगी, कल्चर को बढ़ावा दो, और ज्यादा पालते जाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी लोगों की बढ़ती जाएगी, बिकॉज मछली खाएंगे तो न्यूट्रिशन अंदर जाएगा। लेकिन वो मछलियां जो कल्चर की जा रही है, जो पाली जा रही है, वही अच्छी है। कैप्चर कर लोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब पानी के अंदर पानी की रानी दिखेगी ही नहीं, क्योंकि हमने सारी निकाल ली होगी। तो कैप्चर मतलब निकालना और कल्चर का मतलब पालना हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कल्चर फिशरीज के अलग अलग प्रकार कौन से होते हैं। कल्चर फिशरीज के अलग अलग प्रकारों की बात करेंगे। कल्चर फिशरीज के टाइप का मतलब क्या हो गया, देखो कल्चर फिशरीज के टाइप का सिंपल सा मतलब हो गया, जहां पे आप मछलियां पालते हो, जहां मछलियां पालते हो ना वो कल्चर हो गया। लेकिन पालने के लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं ना सर, कौन कौन से हो सकते हैं? आप मछलियों को पाल सकते हो फ्रेश वाटर के अंदर, पालते हो कि नहीं पालते हो भाई, फ्रेश वाटर के अंदर मछलियां पाली जा सकती हैं, या ब्रैकिश वाटर जो अभी आपको बताया था एस्चुरीज, उसके अंदर मछलियां पाली जा सकती है, या फिर समुद्र या नदी के अंदर केज डाल के, देखो सामने वीडियो के अंदर ये देखो आप, समुद्र या नदी के अंदर केज को डाल दिया गया है, इस केज के अंदर डाल के भी आप क्या कर सकते हो, मछलियों को पाल सकते हो। या फिर लास्ट आ गया कल्चर फिशरीज के अंदर ऑर्नामेंटल, मतलब सजावटी, देखो सामने एक्वेरियम, यहाँ पे सुंदर सुंदर मछलियां दिख रही हैं, इनको पाला गया है किसके लिए, ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए, पाला गया तो कल्चर है, लेकिन सुंदर है तो ऑर्नामेंटल है। तो इस तरह से कल्चर फिशरीज के चार प्रकार हो गए, या तो वो फ्रेश वाटर हो सकती है, या वो ब्रैकिश वाटर हो सकती है, या वो केज के अंदर। सर केज में कौन सा पानी होगा, कोई भी हो सकता है भाई साहब, समुद्र के अंदर है तो खारा पानी होगा, नदी में तो आपका फ्रेश वाटर हो जाएगा, और ऑर्नामेंटल तो एक्वेरियम मैंने अभी आपको दिखाया था। तो ये कल्चर फिशरीज के चार पार्ट हो गए। आगे बात करते हैं इनलैंड फिशरीज की। इनलैंड फिशरीज की बात करेंगे तो इनलैंड वाले केस में क्या हो जाता है, जो लैंड के इन है, जो लैंड के विद इन है, भाई नहरें जो कैनाल्स है वो कहां पे होती है, वो लैंड के अंदर ही होती है ना। कैनाल्स के अलावा जो आपके पोंड है वो लैंड के अंदर ही होते हैं, जो टैंक है वो भी लैंड के अंदर ही है। लैंड के अंदर मतलब भाई जैसे मैं खड़ा हूं, मैं लैंड के अंदर ही तो खड़ा हूं, आप क्लास में लैंड के अंदर ही, आपको ना समुद्र में जाकर क्लास ले रहे हो भाई साहब, है ना। बोला सर फिशरीज पढ़ा रहे हैं आज तो समुद्र में जाके क्लास लेंगे, नहीं ना यार ऐसा तो नहीं है। तो जो लैंड के विदिन है उसको कहा जाता है इनलैंड फिशरीज। तो इनलैंड फिशरीज की बात करेंगे ना तो इसे भी अगेन फोर पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। पहला आ गया रिवरीन। रिवरीन का मतलब क्या हो गया, वो जो हमारा रिवर सिस्टम है, जो अलग अलग नदियां हैं हमारे यहाँ पे, वो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कोई और भी हो सकती है, जितनी भी आप नाम ले लोगे, तो ये सारी की सारी नदियों का जो सिस्टम है उसे रिवरीन कहा जाता है। इन नदियों के अंदर जो मछलियां हो रही हैं वो किसका पार्ट है, इनलैंड का पार्ट है। फिर आगे रिजर्वोयर। रिजर्वोयर की बात करेंगे, रिजर्वोयर क्या होता है भाई, रिजर्वोयर आपके खेत में छोटा सा हो सकता है, चेक डैम उसे कहा जा सकता है, या किसी नदी के ऊपर बड़ा सारा डैम बनाया जा सकता है, या फिर पुष्पा मूवी का एग्जांपल लिया जा सकता है। पुष्पा मूवी के अंदर जब वो चंदन की लकड़ियों काट के फेंक रहे थे तो आपने देखा था ना, वो पानी के अंदर फेंक देते हैं, फिर वो जाके एकदम से डैम को बंद करते ताकि सारी लकड़ियां वहां पे रुक जाए। देखो सीन आपको सामने दिख रहा है। तो ये क्या है भाई, ये डैम है। इस डैम को क्या कहा जा सकता है, रिजर्वोयर कहा जा सकता है। ये लैंड के अंदर ही तो है, तो ये भी इनलैंड का पार्ट हो गया।
तो इनलैंड में एक तो आ गया रिवरीन, दूसरा आ गया आपका रिजर्वर, तीसरा एस्चुराइन, अभी तो दिखाया था लैगून्स, ये देखिए सामने है ना, जहां पे क्या होता है धरती के ऊपर पानी होता है और उस पानी के अंदर फ्रेश वाटर के अंदर समुद्र का पानी यानी ओशन का पानी सलाइन वाटर मिक्स हो रहा होता है, तो वो क्या बन जाता है अपने आप में, उसे कहा जाता है एस्चुराइन। तो वहां पे मछलियां हैं तो वो क्या हो गया, इनलैंड फिशरीज हो गया। और सबसे लास्ट में आ गया वेटलैंड। वेटलैंड दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ओपन वेटलैंड और एक होते हैं क्लोज्ड वेटलैंड। ओपन और क्लोज वेटलैंड के अंदर क्या फर्क होता है, जैसे धान के खेत में पैडी के फील्ड में आपने मछलियां पाल रखी हैं तो वो क्लोज वेटलैंड है, और कुछ कुछ ओपन वेटलैंड होता है जहां पानी खड़ा रहता है, वहां आप उस खड़े पानी के अंदर मछलियां पाल रहे हैं वो खुला हुआ पानी है, वो ओपन वेटलैंड है, लेकिन मछलियां पाल रहे हो है तो वो इनलैंड के अंदर ही ना। तो ये जो आपका वेटलैंड हो गया किसका पार्ट हो गया, इनलैंड का। तो इनलैंड के चार पार्ट हो गए, रिवरीन, रिजर्वोयर, एस्चुरीन और आ गया आपका वेटलैंड। यहां तक समझ आ गया तो समझ वाला बड़ा सारा वाई लिख दीजिए कि सर हाँ समझ आ रहा है मुझे, यस लिख दीजिए सारे लोग। ये मत कहना कि रिकॉर्डेड है, ये बहुत इंटरेस्ट होता है कुछ लोगों को बताना कि ये तो रिकॉर्डेड चल रही है, ये रिकॉर्डेड नहीं चल रही है, मैं इसको लाइव भी ले सकता था बट मैं इसको और बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए एडिटिंग करवाता हूं ताकि आपके सामने जब आऊं ना तो फिर देर से आऊं लेकिन दुरुस्त होके आऊं, कि आपके दिमाग में घुस जाऊं कि ये कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब एश्चुरी हो गया, ये रिजर्वोयर लो देख लिया डैम क्लियर हो गया, रिवरी नदियों का सिस्टम है क्लियर हो गया, तो इसीलिए एडिटिंग के अंदर आता हूं। लेकिन आप अपने आप में कोशिश कीजिए, इसको लाइव ही समझिए, मुझे आंसर दीजिए यहां तक समझ आ गया यस, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर आपका डाउट लिख देना, मैं वहां पे रिप्लाई कर दूंगा या अगली वीडियो के अंदर समझा दूंगा। इनलैंड में रिवरीन, रिजर्वोयर, एस्चुरीन और वेटलैंड चार पार्ट आ गए। आगे चलते हैं, लास्ट की बात कर लेते हैं। लास्ट मतलब जो हम पढ़ रहे हैं टाइप के बारे में, लास्ट आ गया मरीन फिशरीज। मरीन फिशरीज के अंदर ना तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से तीन पार्ट होते हैं, एक होता है पेलाजिक फिशरीज, एक होता है डमसल फिशरीज और एक होता है डीप सी फिशेज। पहले तो पेलाजिक की बात कर लेते हैं। पेलाजिक वो फिशेज होती हैं जो ना तो नियर टू द बॉटम रहती हैं, ना ही नियर टू द शोर, मतलब किनारे पे भी नहीं आती हैं, बिल्कुल नीचे भी नहीं जाती, किनारे से थोड़ा सा दूर, सरफेस से थोड़ा सा नीचे लेकिन बॉटम से ऊपर। तो ये जो मछलियां हैं जो थोड़ा सा सरफेस से नीचे रहती है ना, ये पेलाजिक फिशरीज होती हैं। पेलाजिक फिश है ये मरीन के अंदर ही रहती हैं। दूसरा आ गया डमसल, जिसका दूसरा नाम होता है ग्राउंड फिश। अब ग्राउंड फिश से क्लियर हो गया आप लोग, वो जो बिल्कुल धरातल के ऊपर रह रही है वो अपने आप में क्या हो गई, वो ग्राउंड फिश हो गई। और डीप सी फिश, डीप सी फिश की बात करेंगे तो ये वो मछलियां हैं जो 1000 मीटर से भी ज्यादा नीचे रहती हैं। बेसिकली ये अंधेरे के अंदर रहना पसंद करती हैं, ये जो सनलाइट ऊपर से पहुंच रही होती है उस रोशनी में नहीं रहती है, तो ये हर जगह आपको नहीं मिलेंगी, गहरे समुद्र के अंदर आपको ये दिखेगी। तो गहरे समुद्रों के अंदर, डीप ओशन के अंदर पाई जाने वाली मछलियां जो फोटिक जोन से दूर होती हैं, फोटिक जोन मतलब रोशनी वाले एरिया से दूर होती है, इनको क्या बोला जाता है, डीप सी फिशेस कहा जाता है। तो तीन प्रकार की होगी मरीन के अंदर, पेलाजिक, डमसल और तीसरी कौन सी, डीप सी फिशेस हो गया। आगे चलते हैं, अब टाइप ऑफ एक्वा कल्चर की बात कर लेते हैं। वो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया कि कल्चर के कौन से टाइप होते हैं, इनलैंड के कौन से टाइप होते हैं, मरीन के कौन से टाइप होते हैं और कैप्चर और कल्चर क्या होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं एक्सटेंसिव और इंटेंसिव एक्वाकल्चर की, कि एक्सटेंसिव एक्वाकल्चर क्या होता है और इंटेंसिव एक्वाकल्चर क्या होता है। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव एक्वाकल्चर की बात करेंगे तो एक्सटेंसिव एक्वाकल्चर का मतलब बड़ा एरिया, जहां पे बहुत बड़ा एरिया है वहां मछलियां पाली जा रही हैं, जैसे पाली नहीं जा रही हैं, हो सकता है ना पाली हो लेकिन मछलियां वहां पे हैं, जैसे आपका क्या हो गया ओशन, सी महासागर जो हो गया। अब महासागर जो उसके नाम के साथ ही महा लगा हुआ है ना, सागर के साथ महा लगा दीजिए तो महासागर बन जाता है ना। जैसे यहां पे कोई ना कोई सागर क्लास ले रहा होगा, अब सागर को महा लगा दो भैया बहुत बड़ा सागर बन गया, ये महासागर हो गया। फिलहाल ये क्लास वाले सागर की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, अभी किस सागर की बात कर रहे हैं, जो पानी वाला सागर है ना। तो पानी वाला जो सागर है वो क्या हो गया अपने आप में, वो बहुत बड़ा है। तो वहां पे जो मछलियां हैं वो क्या है, एक्सटेंसिव एक्वाकल्चर है। लेकिन
अगर आपने क्या किया, अगर आपने किसी पोंड के अंदर, तालाब या जलाशय के अंदर मछलियों को पाल लिया है, तो वो छोटा एरिया है जहां पे आप मछलियों का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा लेना चाहते हैं। तो आप मछलियों का प्रोडक्शन जहां ज्यादा लेना चाहते हैं लेकिन एरिया वो छोटा है, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसे इंटेंसिव एक्वाकल्चर कहा जाएगा। तो आप डिफरेंस समझ गए होंगे कि इंटेंसिव एक्वाकल्चर क्या होता है और एक्सटेंसिव एक्वाकल्चर क्या होता है। आगे चलेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ फिश कल्चर पोंड की बात कर लेंगे, मतलब कि फिश कल्चर पोंड जो आपको बनाना है उसका कंस्ट्रक्शन कैसे करोगे। पोंड बनाऊं कहां पे सर, मिट्टी कौन सी लूं, सर मिट्टी लेनी होती है क्या, पक्का नहीं बनाते, नहीं भाई साइड से पक्का हो सकता है, नीचे से कच्चा ही रखना पड़ेगा। तो फिश पोंड की बात करते हैं ना, पहले तो सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा साइट सिलेक्शन के लिए क्राइटेरिया, कि जहां पे आप तालाब बनाने वाले हो, जहां पे पोंड बनाने वाले हो, उस साइट को सिलेक्ट करते टाइम कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो उस साइट को सिलेक्ट करते टाइम सबसे पहले तो जो लैंड है ना, उस मिट्टी के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी खासी नहीं होगी ना, तो उससे क्या हो जाएगा, पानी परकोलेट होके नीचे चला जाएगा। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद लैंड जो है वो एल्केलीन या एसिडिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिशरीज के लिए पीएच चाहिए होता है 7 to 8.5 का, तो उतना सही होना चाहिए, ज्यादा एसिडिक और ज्यादा एल्केलाइन नहीं होना चाहिए। लो लाइंग एरिया ज्यादा सुटेबल होते हैं। सर लो लाइंग क्यों सुटेबल होते हैं, भाई लो लाइंग इसलिए सुटेबल होते हैं क्योंकि नीचे के जो एरिया होंगे वहां पानी ज्यादा उपलब्ध होगा, ऊपरी एरिया के अंदर पानी कम होगा ना। अब पहाड़ के ऊपर पानी होगा या पहाड़ के नीचे पानी होगा, नीचे तो होगा ना यार, तो लो लैंड में पानी ज्यादा रहेगा, इसलिए लो लैंड एरिया ज्यादा सुटेबल माने जाते हैं। साइट जो है वहां पे वाटर सप्लाई होनी चाहिए, क्योंकि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो भाई पानी अगर लेके आओगे तभी तो उसका जीवन हो पाएगा। तो वाटर जो है वो वहां पे कंपलसरी अवेलेबल होना चाहिए। पोंड के आउटलेट इनलेट को अच्छे से बना लेना ताकि पानी को बाहर निकाला जा सके, नया पानी अंदर डाला जा सके। जो साइट है वो रोड के आसपास होनी चाहिए ताकि मछलियों को बेचने के लिए मार्केट में जाया जा सके। और साइट जो है वो फ्लड अफेक्टेड एरिया से दूर होनी चाहिए, मतलब बाढ़ वाड़ नहीं आनी चाहिए वहां पे। फ्लड आ गई तो पानी भी गया, सारी मछलियां भी गई, सारी तुम्हारी मेहनत भी चली गई, है ना, तो तुम्हें बड़ा बुरा लगेगा जब तुम्हें वो छोड़ के चली जाएगी। वो नहीं, वो मतलब मछली, मछलियां चली गई तो फार्मर का नुकसान हो जाएगा ना यार, तो फ्लड अफेक्टेड एरिया से दूर होना चाहिए। तो इन सब बातों का हम ध्यान रखेंगे साइट सिलेक्शन करते टाइम। आगे चलते हैं, परमिशेबल पैरामीटर ऑफ सोयल की बात कर लेते हैं, कि जो हमारी मृदा है ना, मृदा के अंदर किन किन पैरामीटर्स का ध्यान रखेंगे। बेसिकली इन चार पहले जो पैरामीटर्स है ना, इनका अच्छे से ध्यान रख लो। सबसे पहला सैंड सिल्ट और क्ले, उसके बाद ऑर्गेनिक कार्बन। ऑर्गेनिक कार्बन जानते हो, ऑर्गेनिक कार्बन जो ऑर्गेनिक मैटर के अंदर होता है, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसके अंदर 58% ऑर्गेनिक कार्बन होता है, इसीलिए इसको कन्वर्ट करने के जो फैक्टर आपने पढ़ा हुआ है वो क्या पढ़ा हुआ है, 1.72। ये फैक्टर नहीं पता तो कोई बात नहीं, सोयल साइंस के अंदर समझेंगे इसको। फिलहाल समझ लेते हैं कि फिश पोंड के अंदर सैंड होनी चाहिए 40%, नीचे जो मिट्टी है ना उस मिट्टी के अंदर 40% सैंड होनी चाहिए, 20% सिल्ट होनी चाहिए और 40% क्ले होनी चाहिए। अगर क्ले 40% ना हो तो मिनिमम कितनी, मिनिमम 20% होनी चाहिए, बट 20% मिनिमम है, जनरली बोलूंगा तो 40% क्ले होना चाहिए। और साथ ही साथ ऑर्गेनिक कार्बन की बात करेंगे तो 0.5 to 2% ऑर्गेनिक कार्बन होना चाहिए, मतलब 1 to 4% के बीच में ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए। सामान्यता हमारी मृदाओं के अंदर 1 to 4% ऑर्गेनिक मैटर होता ही नहीं है, 1 to 4% ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता, इसीलिए हम क्या करेंगे इसमें एक्स्ट्रा ऑर्गेनिक मैटर ऐड करेंगे। इसमें हम FYM यानी कि फार्म यार्ड मैन्योर, गोबर की खाद को पोंड के अंदर डालेंगे ताकि अंदर जाके ऑर्गेनिक मैटर बढ़ सके। सर उससे क्या फायदा होगा, उसको डालने से ना छोटे मोटे जीव जंतु और पेड़ पौधे, पेड़ तो नहीं कहना चाहिए, पौधे कहना चाहिए, जैसे एल्गी हो गया है ना, छोटे मोटे जो पेड़ पौधे हैं ये वहां पे लग जाएंगे, तो मछलियां को जो आपकी फाइटोप्लैंक्टन है वो उनको खाएंगी, जू प्लैंक्टन है वो जीवों को खा जाएंगी। तो इसलिए आपको ऑर्गेनिक मैटर यानी कि FYM वहां पे डालना पड़ेगा। ये तो बात होगी सोयल की। अब बात कर लेते हैं वाटर की, कि वाटर के पैरामीटर क्या होते हैं। देखिए वाटर के पैरामीटर की बात करूं तो पानी का जो टेम्परेचर है ना वो कितना होना चाहिए, 25 to 35, सही बोलूं तो 28 to 32, गलत वो भी नहीं है लेकिन ये बिल्कुल स्पेसिफिक है और ये बड़ी रेंज है। तो 28 to 32 क्या होना चाहिए, आपकी जो वाटर है उसका टेम्परेचर होना चाहिए।
वाटर के अंदर सैलिनिटी कोशिश करो जीरो के आसपास ही हो, क्योंकि मछलियां जो है फ्रेश वाटर वाली वो खारे पानी के अंदर नहीं रह पाती हैं। तो लेस देन 5 PPT उसके अंदर सैलिनिटी होनी चाहिए। पीएच मैंने आपको भी बताया था कि लगभग 7 to 8.5, तो 7 to 8.6 का वहां पे क्या होता है पीएच रिक्वायर्ड होता है। कैल्शियम जो है, क्योंकि सैलिनिटी तो है पार्ट पर 1000 पीपीटी में, लेकिन ये है ppm में, मतलब पार्ट पर मिलियन। तो कैल्शियम जो है 75 से 150 ppm होना चाहिए, और जो ट्रांसपेरेंसी है वो कितनी होनी चाहिए 30 to 40 cm, मतलब ऊपर से नीचे पानी के अंदर जो दिख रहा है वो कितना दिखना चाहिए 30 से 40 सेंटीमीटर दिखना चाहिए। लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट है रेट ऑफ लाइम एप्लीकेशन, मतलब कि पोंड के अंदर लाइम कितना डालेंगे। सर पोंड में लाइम क्यों डालना है? भाई पोंड में लाइम डालना पड़ेगा। सर क्यों डालना पड़ेगा? क्योंकि पीएच है 7 to 8.6 जो रिक्वायर्ड है, लेकिन पानी है ना वहां पे, तो पीएच वहां पे कम होगा ही होगा। जैसे ही पीएच कम हो जाता है एसिडिक सोयल का, आप उनके सुधार के लिए वहां पे क्या डालते हो? सर वहां पे हम लाइम डाल देते हैं। क्यों डालते हो? क्योंकि लाइम में चूने में होता है कैल्शियम। कैल्शियम क्या है? बेस है, बेसिस के अंदर आता है, क्षार है, तो वो मृदा के अंदर जाते ही मृदा के पीएच को बढ़ाएगा। तो इसीलिए पोंड के अंदर भी पीएच को बढ़ा के रखना है आपको, 7 to 8.6 रखना है, एसिडिक नहीं होने देना। तो आपको क्या करना पड़ता है? पोंड के अंदर लाइम यानी कि चूना डालना पड़ता है। सर कितना डालना पड़ता है? पीएच जितना कम होगा उतना ज्यादा डालना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 4.5 to 5 पीएच है, मतलब बहुत ज्यादा एसिडिटी है। तो 2000 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 2000 kg पर हेक्टेयर डाल दिया। जहां पे पीएच थोड़ा बढ़ गया 5.1 to 6.5 है, वहां पे 1000 kg डाल दिया, और बढ़ गया और कम होता गया। और लास्ट में देखो पीएच अगर 8.6 से ऊपर जा रहा है, तो हमें तो 8.6 तक चाहिए, उससे ऊपर जा रहा है तो कोई लाइम आपको नहीं डालना, वहां पे नील आ गया। तो इस तरह से जैसे जैसे पीएच कम होता जाएगा वैसे वैसे लाइम की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, क्योंकि कम पीएच के अंदर लाइम जाके क्या करेगा? पीएच को बढ़ाएगा। तो पीएच को बढ़ाए इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उसके अंदर लाइम डालते रहे। तो जितना कम पीएच उतना ज्यादा लाइम डाला जाएगा, और उसको डालने से पहले पोंड को अच्छे से बनाना पड़ेगा। पोंड के लिए साइट सिलेक्शन प्रॉपरली करना पड़ेगा। पोंड के अंदर सोयल और वाटर के पैरामीटर सही तरीके से फॉलो करने पड़ेंगे। अगर गलत सोयल है तो पानी परकोलेटों के नीचे चला जाएगा, और गलत एरिया है तो फ्लड आ गई तो मछलियों को लेके चली जाएगी। तो साइट सिलेक्शन प्रॉपर, सोयल पैरामीटर प्रॉपर, वाटर पैरामीटर प्रॉपर, अब उसका मैनेजमेंट आपको लाइम डालना पड़ेगा। साथ साथ आपकी जो मछली है उसमें फीडिंग का अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा, मतलब फीड भी उसे आर्टिफिशियली आपको देना पड़ेगा, ताकि ऐसा फीड हम दे पाए जिसमें प्रोटीन ज्यादा हो। और ज्यादा प्रोटीन वाला फीड जब आपकी मछली लेगी तो उससे क्या हो जाएगा? उससे उसकी ग्रोथ जल्दी होगी, बहुत जल्दी वो बड़ी होती जाएगी। यहां पे हमारे सेशन को ओवर करेंगे क्योंकि हमारा टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है। अगले सेशन के अंदर बात करेंगे RAS, रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम की, जो अपने आप में अच्छा सिस्टम है बट थोड़ा महंगा है, तो सारे फार्मर उसे कर नहीं पाते हैं। लेकिन एक नया सिस्टम हमारे पास आया जिसका नाम है BFT, जिसे न्यू ब्लू रेवोल्यूशन कहा जा रहा है, जिसकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताने वाले हैं। और थोड़ा सा पढ़ के आइएगा ताकि मैं अगली कक्षा में जब आपके सामने आऊं तो आपको, अगली कक्षा में नहीं, सॉरी यार वो हिंदी वाला इंपैक्ट हो गया, जब मैं नेक्स्ट क्लास में आपके सामने आऊं तो आप क्या कर सके, आप उसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके, अच्छे से समझ सके। तो BFT और RAS पढ़ के आइएगा, जो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने वाला हूं। उसके बाद उसकी नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको पढ़ाऊंगा मैं फिश की डिजीज के बारे में, कि फिश में कौन कौन सी डिजीज होती है, उनके कोजल ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं और उनका ट्रीटमेंट क्या होता है। और वो जब खत्म हो जाएगा तो एक आपको बहुत अच्छी सी क्विज भी दूंगा, वो YouTube के ऊपर ही और फ्री वीडियो में ही वो दूंगा, ताकि आप रिवाइज कर पाए चीजों को और आप समझ पाए कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो RAS, BFT और फिश डिजीज के अलावा कुछ और आपको लग रहा होगा जो आपको पढ़ना है तो अगेन कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिएगा, क्योंकि मैं फिशरीज का दूसरा लेक्चर ले रहा हूं और मेरा प्लान कह रहा है कि मैं तीसरे और चौथे के अंदर इसे खत्म कर दूंगा। लेकिन आपको लग रहा है कि सर कुछ और भी पढ़ाना है सिर्फ फिशरीज के अंदर, तो मुझे बताइएगा ताकि मैं पहले से उसे ऐड कर सकूं। मैं मिलूंगा आपको आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, उससे पहले रिवाइज करिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा और कोशिश करिएगा कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रह के फोकस रहिएगा, बिकॉज आपकी लाइफ में ना आपकी अचीवमेंट जो होगी ना वो डिसाइड कैसे होगी आप आज और इस समय क्या कर रहे हैं। मैं मिलता हूं आपके आपके नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम। जय हिंद, जय भारत।